अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिजिक्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में मौजूद हैं। हम आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, 2.10 हमारा आज का क्वेश्चन है। अपनी बुक पे स्टेटमेंट को देखिए, कैन यू ऐड 0 टू ए नल वेक्टर, क्या आप 0 को नल वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन यू ऐड 0 टू ए नल वेक्टर, तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसकी रीज़न आप लिखेंगे, इसकी रीज़न फिर आप लिख देंगे बिकॉज बोथ द 0 एंड नल वेक्टर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, बोथ 0 एंड नल वेक्टर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, सो वी कैन नॉट ऐड 0 टू द नल वेक्टर। हम 0 को नल वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते, वन इज स्केलर एंड अदर वन इज वेक्टर, तो हम स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट ऐड 0 टू ए नल वेक्टर। ओके, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। जब हमने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया तो मैग्नीट्यूड लेने के बाद आपको रिजल्ट मिला, ए का एक रिजल्ट मिल गया आपको, बी की आपको एक वैल्यू मिल गई, बी का मैग्नीट्यूड आपने ले लिया। जब ए और बी का मैग्नीट्यूड आपने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू कुछ और है, बी की वैल्यू कुछ और है, अनइक्वल है, तो क्या उसका सम 0 होगा। तो हम इसका जब आंसर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयर सम कैन ओनली बी 0 व्हेन द टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। दो वेक्टर का सम तब आपको 0 मिलेगा जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन नंबर 2.11 की बात कर रहा हूँ। अब 2.11 क्वेश्चन में हमने कहा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अनइक्वल हो तो उनका सम 0 नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपके पास 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास 8, 3, 4, कोई वैल्यू आप ले लेते हैं, इक्वल नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो कंडीशन हमें यही बताई गई कि ए वेक्टर का और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 8, तो क्या इसका सम 0 होगा। तो हम देखते हैं कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 5 और बी का है 8, आपको रिजल्ट कितना मिल गया, रिजल्ट आपको मिला 13। आप कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 20 ले लेते हैं, बी वेक्टर की वैल्यू आप 4 ले लेते हैं, रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, रिजल्ट आपको मिलेगा 24। इसलिए कि दो वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड अनइक्वल है तो आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा, डेफिनेटली रिजल्ट आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको कोई और वैल्यू मिलेगी। और हमने साथ में ये बात की, वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर इज ओनली 0 इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, अगर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो तभी आपको रिजल्ट उसका क्या मिल पाएगा, 0 मिल पाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, दैट इज शो दैट द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से समझना है कि सबसे पहली बात उसने ये की कि हम दो वेक्टर लेते हैं, उनकी लेंथ आप कैसी ले रहे हैं, इक्वल, और फिर जब आप उसको हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे, उसका सम और उसका डिफरेंस, जब आप उसके सम और डिफरेंस को लेंगे तो उसका सम और जो डिफरेंस होगा दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका सम और जो डिफरेंस जो उसका रिजल्टेंट होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा और इक्वल भी होगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.12 में हम दो वेक्टर लेते हैं ऑफ इक्वल लेंथ। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर ए है। सिमिलरली मैं सेम लेंथ का एक वेक्टर लेता हूं, दैट इज वेक्टर बी, ये आपके पास आ गया वेक्टर बी। जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमने ऐड करना है इसको हेड टू टेल रूल, इसका सम और इसका जब हम डिफरेंस लेंगे
तो उसने कहा कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और जब आप इसको इसका डिफरेंस लेंगे तो भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लेकिन साथ में ये बात कही शो दैट द सम ऑफ द डिफरेंस सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर टू परपेंडिकुलर वेक्टर मीन कि ए और बी को आप परपेंडिकुलरली ड्रा करेंगे उसका सम और उसका डिफरेंस ऑफ इक्वल लेंथ आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ जो इसका सम होगा और जब आप इसका डिफरेंस लेंगे तो वो दोनों सम और डिफरेंस से होगा वो भी क्या हो परपेंडिकुलर हो तो हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सिंस ए इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू बी इसलिए है ए को हम बी के इक्वल इसलिए लेते हैं बिकॉज हमें कंडीशन लगाई गई कि इसकी और इसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो हमने लेंथ सेम ले ली सो ए इज इक्वल टू बी सिंस ए इज इक्वल टू बी ए किसके इक्वल है बी के इक्वल है अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ हम इसको प्रूफ करते हैं सम जब हम इसका लेंगे तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी सिमिलरली जब हम इसका डिफरेंस लेंगे सम एंड डिफरेंस सो फॉर डिफरेंस वी कैन राइट r प्राइम इज इक्वल टू a माइनस बी ये आपके पास आ गई वैल्यू अब हम हेड टू टेल रूल इस पर अप्लाई करेंगे यहां से मैं इसको ऐसे ड्रा कर देता हूं अब यहां पर आपने जो वेक्टर ए की जो लेंथ आपने लेनी है उस ए वेक्टर को हम यहां पर ले लेते हैं कि इतनी लेंथ है अब जितनी लेंथ आपने वेक्टर ए के लिए चॉइस की है इतनी ही लेंथ का आपको वेक्टर बी लेना है तो मान लीजिए बेटा कि आपने क्या किया कि आपने जस्ट इस वेक्टर ए को उठाकर यहां पुट कर दिया ये आपके पास आ गया वेक्टर ए नाउ वी ड्रॉ द वेक्टर बी ऑफ सेम लेंथ सच दैट द वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू इच अदर वेक्टर ए और बी को आपने परपेंडिकुलरली ड्रा करना है जब हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए के साथ बी को तो हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे लेकिन हमने ये देखना है हमने चेक करना है कि जितनी लेंथ ए वेक्टर की है उतनी ही लेंथ का आपने वेक्टर बी लेना है तो आई थिंक अगर आप इसको देखें तो हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं अब ऑलमोस्ट इसकी ए वेक्टर की और बी वेक्टर की लेंथ क्या हो गई सेम हो गई ये दो वेक्टर आ गए आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हम ले रहे हैं इसका सम पहले हम बात किसकी कर रहे हैं सम की अब यहां से जब हम इसका सम लेंगे तो हमें एक यहां पर लाइन ड्रा करनी है लाइक दिस और ये इसका आ गया रिजल्टेंट एंड दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस बी ये आ गया आपके पास अब वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना है वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल है 90 डिग्री इस रिजल्टेंट वेक्टर और इस के साथ यहां जो एंगल बनता है दैट इज 45 डिग्री अब ये चीज क्लियर हो गई आपको ये हमने सम ले लिया जब हम इसका डिफरेंस लेंगे तो इसके डिफरेंस के लिए हम वेक्टर बी को रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे और वेक्टर बी को जब हम रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे तो उतनी ही लेंथ का हम वेक्टर बी ड्रा करेंगे वेक्टर ए के साथ याद रखिए कि वेक्टर बी और वेक्टर ए की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट आपने इसको बराबर लेना है सेम लेना है ठीक है तो यहां से हमने एक लाइन यहां मिला दी सो दिस इज वेक्टर बी एंड नाउ द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर दैट इज आर प्राइम इज इक्वल टू ए माइनस बी ये हमने इसका डिफरेंस ले लिया अगेन ए और बी के बीच में एंगल कितना हुआ एंगल इज 90 डिग्री यहां एंगल कितना मिलेगा आपको ये एंगल आपको मिल रहा है 45 डिग्री अब मैं यहां पर कुछ पॉइंट्स मेंशन करूंगा ओ पी क्यू एंड आर ठीक है अब हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि पहले तो आपने इसका सम लेना है और फिर आपने क्या लेना है इसका डिफरेंस लेना है सम ले लिया आपने डिफरेंस ले लिया अब हम आते हैं इसके मैग्नीट्यूड की तरफ नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर एंड आर प्राइम R एंड R प्राइम का हम मैग्नीट्यूड लेंगे इसको नोट कर ले आप जरा मैं फैन को थोड़ा स्लो कर देता हूं
ओके, मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे, आर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ आर प्राइम, तो आर प्राइम का मैग्नीट्यूड अगेन आपके पास क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर हम लेंगे एंड दैट इज अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकॉज द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज आल्सो पॉजिटिव. नेगेटिव रियल नंबर का जो स्क्वायर है दैट इज आल्सो, आपको रिजल्ट कैसा मिलता है? रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा. सो अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, इसको और इसको कंपेयर कीजिए. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी सी दैट आर इज इक्वल टू आर प्राइम. आर किसके इक्वल है? आर इज इक्वल टू आर प्राइम. इसका जो सम और डिफरेंस है वो एक दूसरे के इक्वल है. अब हम इसके एंगल की बात करते हैं फ्रॉम फिगर. यहां देखिए, हम इसको फिगर से प्रूव करते हैं. फ्रॉम फिगर एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. क्या ये बात ठीक है? उसने कहा कि ये जो एंगल है आपके पास ओ पी क्यू दैट इज इक्वल टू ओ क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री. सिमिलरली हम इस होल को देखेंगे, जब हम आर और आर प्राइम का एंगल देखेंगे तो वो कितना है. सिमिलरली एंगल ओ पी आर, एंगल ओ पी आर दैट इज इक्वल टू दैट इज द सम ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर. ज़रा ध्यान दीजिए, फिगर को ध्यान से समझिए. एंगल ओ पी आर, ये जो एंगल है दैट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ओ पी आर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. हैंस प्रूव दैट, इसको हमने प्रूव किया कि आर एंड आर डैश आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बेटा ये क्वेश्चन में हमें कंडीशन लगाई गई है कि अगर आप दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी ऑफ इक्वल लेंथ, देन देयर सम एंड डिफरेंस, देन देयर सम एंड डिफरेंस, उनका जो सम और उसका जो डिफरेंस है दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर. वेक्टर ए और बी आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर हैं, यहाँ पर भी वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर हैं, लेकिन उसने ये कहा कि जब आप इसको इक्वल लेंथ का लेंगे, वेक्टर ए और बी को इक्वल लेंथ के साथ लेते हैं, तो इसका जो सम और इसका जो डिफरेंस है वो भी परपेंडिकुलर होने चाहिए. तो हमने इसको प्रूव किया कि हमें एंगल कितना मिला, 90 डिग्री. तो इट मीन्स दैट कि आर और आर प्राइम क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं और वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं. अगर आप इस फिगर को यहाँ देखें, ये आपके पास है आर रिजल्टेंट सम, और यहीं से अगर मैं ऐसे, ये जो आपने लाइन ली थी इसको अगर आप यहाँ पर देखें, आर प्राइम ये था आपके पास, दिस इज आर प्राइम. अब अगर इस लाइन को बीच से हटा दें आप, तो मुझे बताइए कि इसके और इसके बीच में एंगल कितना है. सो एंगल इज 90 डिग्री. हैंस वी प्रूव दैट, हमने इस चीज़ को प्रूव किया, साबित किया कि वेक्टर ए और बी विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विच आर इक्वल लेंथ, व्हेन वी टेक देयर सम एंड डिफरेंस, देन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर आर आल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो इक्वल. ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा. पहले आपने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, मैग्नीट्यूड के बाद आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसके एंगल की तरफ आते हैं और एंगल से आप ये प्रूव कर लेते हैं, और विच मीन्स दैट कि आर और आर डैश इक्वल हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड, हम दो वेक्टर को कैसे ओरिएंट करेंगे इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव द रिजल्टेंट इक्वल टू द वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। अगर हम उनको कंबाइन करें तो उनको कंबाइन करने से जो उसका रिजल्टेंट मिलेगा वो भी उस वेक्टर ए और बी के या कोई भी दो वेक्टर आप ले रहे हैं उसके इक्वल होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हम लिखते हैं कि ये तब पॉसिबल है कि व्हेन टू वेक्टर्स, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एट ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 2.13 हमारा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर्स को आप कैसे ओरिएंट करेंगे कि जब आप उसको ओरिएंट करो तो उनका जो रिजल्टेंट हो वो भी उसके इक्वल हो। तो आंसर इज, इट इज पॉसिबल व्हेन द टू वेक्टर्स आर ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ, ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। हम दो वेक्टर लेंगे पहले ऑफ इक्वल लेंथ, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। फॉर एग्जांपल अगेन वी टेक वेक्टर ए, हम दो वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को, जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। अब हमने ए और बी को ओरिएंट करना है, ड्रा करना है और फिर इसका रिजल्टेंट लेना है, और हमने इस तरह ड्रा करना है कि इसका रिजल्टेंट भी ए के बराबर हो और बी के बराबर हो। तो मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी समझाता हूँ। देखिए ये वेक्टर ए आ गया, ये वेक्टर बी आपने ड्रा कर लिया। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी जो है इसकी लेंथ क्या है, सेम है। जब मैं इसका रिजल्टेंट ड्रा कर रहा हूँ तो कंडीशन क्या रखी है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। कंडीशन ही मैं ये कहा, क्वेश्चन में ये बात कही गई कि जब आप ए और बी को इक्वल लेंथ के ए और बी को जब आप ड्रा करेंगे तो जब आप उसका रिजल्टेंट लेंगे तो उसका रिजल्टेंट बी ए और बी के बराबर है। तो मुझे इस फिगर से बताइए कि क्या ये रिजल्टेंट ए और बी के बराबर है? आंसर इज नो, ये रिजल्टेंट ए और बी के सम के बराबर है। लेकिन जो हमें कंडीशन बताई गई वो कंडीशन ये है कि आर इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी, हमने ये कंडीशन फुलफिल करनी है। तो इस कंडीशन को ये वाली फिगर फुलफिल नहीं कर रही, इस तरह हम वेक्टर ए और बी को ओरिएंट नहीं करेंगे। अब कैसे करेंगे फिर उसको देखिए। तो बेटा ये फॉल्स है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए किया है। ऐसे हम वेक्टर को ड्रा नहीं करेंगे, ऐसे ड्रा करेंगे तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो अब हम इसको ड्रा करते हैं कैसे। इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द टू वेक्टर्स आर ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो देखिए कैसे ड्रा करते हैं। ये आ गया वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए। ये आगे मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन से शो करता हूँ, दैट मीन्स कि ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? सो दिस इज वेक्टर ए। लेकिन याद रहे कि जितना वेक्टर ए है उतना ही वेक्टर बी लेना है, और जब उतना ही वेक्टर बी लेना है तो फिर ड्रा कैसे करना है कि रिजल्टेंट भी सेम मिले। तो बेटा हमने इसको ड्रा करना है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब ये आपके पास आ गया वेक्टर बी, दिस इज योर वेक्टर बी। अब इस वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल 120 कैसे है, दिस इज 120 डिग्री एंगल। तो वेरी सिंपल कि ये आपके पास वेक्टर ए है, ये बी है, यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे तो ये 90 है, तो ये आपको ऑलमोस्ट कितना रिजल्ट देगा, 120। आप इसको डी से भी मेजर कर सकते हैं। अब हम इसका रिजल्टेंट ड्रा करेंगे। जब हम रिजल्टेंट ड्रा करेंगे तो रिजल्टेंट हमें ये बताए कि वेक्टर ए और बी रिजल्टेंट के बराबर हैं, तो ये आपको साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल देगा। सो दिस इज आर, ये इसका रिजल्टेंट आ गया, दैट इज इक्वल टू ए एंड दैट इज इक्वल टू बी। क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी? क्या हम यहाँ ये लिख सकते हैं? नो, हम यहाँ ये लिख सकते हैं ये कंडीशन कि R इज इक्वल टू A एंड दैट इज इक्वल टू B। अगर आप ज़रा इस फिगर पे ध्यान दीजिए तो आप कह सकते हैं कि R A के बराबर है और ये R B के बराबर है। तो यही कंडीशन हमें फुलफिल करनी थी, और ये आपके पास एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 60 और 60 यहाँ पर ये आपके पास। तो बेटा इसका आंसर कैसे करेंगे आप? ये फिगर तो आपको मस्ट बनानी है, हर सूरत बनानी है। तो हम इसको पहले तो क्या लिखेंगे, इट इज़ पॉसिबल ओनली, पहले मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाउ वुड यू ओरिएंट द टू वेक्टर्स सच दैट देयर रिजल्टेंट
इज ऑल्सो इक्वल टू द वैक्टर ए एंड बी, कि आप दो वैक्टर को कैसे ओरिएंट करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे कि उसका रिजल्टेंट भी उस एक इंडिविजुअल वैक्टर के बराबर आए। तो आंसर इज इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द टू वैक्टर्स आर ओरिएंटेड आर ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये तब मुमकिन है कि जब हम दो वैक्टर को 120 डिग्री पर ड्रा करेंगे। एंड इफ द टू वैक्टर्स वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, ये आगे आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे थोड़ी सी, आपको 2 मार्क्स ऐसे नहीं मिलेंगे। ये रीजनिंग क्वेश्चन है तो आपको इतना मटेरियल लिखना है कि आपको 2 मार्क्स मिल जाए। इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड सच दैट आर इज इक्वल टू ए एंड दैट इज इक्वल टू बी। ये कंडीशन है हमारे पास कि आर किसके इक्वल है, ए के, और ए किसके इक्वल है डेफिनेटली बी के। तो इट मीन्स दैट कि आर किसके इक्वल हुआ, आर ए के इक्वल भी है और आर बी के इक्वल भी है। तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी थी, तो इसके लिए ऐसे ओरिएंट करेंगे इसको। ये बात क्लियर हो गई? ओके, नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एमसीक्यूज क्वेश्चन है। द टू वैक्टर्स टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। आपके पास दो वेक्टर हैं, उनको आपने कंबाइन किया तो आपको रिजल्ट मिला 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड टेल व्हाई इट इज द ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज करेक्ट, और उनमें से सिर्फ यही रिजल्ट क्यों करेक्ट है 100, 70, 20। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज है और इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन उस एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है, उसकी रीज़न बतानी है। आपको एक वैल्यू है 100 न्यूटन, दूसरी वैल्यू है 70 न्यूटन और तीसरी वैल्यू है आपके पास दैट इज 20 न्यूटन। आई थिंक 20 है या 25 है, 20 न्यूटन है। मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ। टू वेक्टर्स टू बी कंबाइंड हैविंग मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। आपके पास दो वैक्टर हैं, वैक्टर ए है, वैक्टर बी है, कोई से भी दो वैक्टर हैं। इन दो वैक्टर को आपने कंबाइन किया तो आपको रिजल्ट मिला कितना, 60 न्यूटन एंड 35 न्यूटन। पिक द करेक्ट आंसर, कौन सा आंसर आपको सही मिलेगा, 100, 70 और 20। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं। एज इफ टू वैक्टर्स आर, इफ टू वैक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये दो वैक्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल है, देन सम इज मैक्सिमम, सम इज मैक्सिमम। आपको सम कैसा मिलेगा, मैक्सिमम कैसे मैक्सिमम मिलेगा, दैट इज 60 न्यूटन प्लस 35 न्यूटन एंड दैट इज इक्वल टू 95 न्यूटन। एंड इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हैं, देन सम इज, देन सम इज 60 न्यूटन प्लस माइनस 35 न्यूटन। जब एंटी पैरेलल है तो बेटा डायरेक्शन उलट हो जाएगी, डायरेक्शन उल्टी होगी तो आपको किसी एक को माइनस के साथ लेना होगा। तो ये 60 माइनस 35 रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 5, और ये आपके पास आ जाएगा 25 न्यूटन। अब देखिए, एक रिजल्ट आपको मिला 95, एक रिजल्ट आपको मिल रहा है 25। सो दिस शोज दैट द रेंज इज फ्रॉम 25 टू 95। जो हमने सम और डिफरेंस लिया तो रेंज उसकी, सम उसकी रेंज क्या है, 25 से कहाँ तक है, 95 तक है। तो 25 से लेस वैल्यू कितनी है, 25 से लेस वैल्यू कितनी हमारे पास, 20 एक ऑप्शन है, और 95 से एक वैल्यू हमारे पास एक्सीड कर रही है, दैट इज 100। सो द करेक्ट आंसर इज 70 न्यूटन, बिकॉज दिस ऑप्शन लाइज इन द रेंज ऑफ दीज टू वैक्टर्स। कि ये जो आपने सम लिया है, ये 70 न्यूटन, ये जो ऑप्शन है ये इसकी रेंज में लाई कर रहा है 25 टू 95। ये भी अबव है और ये भी अबव है। ओके,
दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर. आज के हमने जो क्वेश्चन किए हैं इनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप इसको प्रिपेयर करें घर जाकर, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन है हम उनको डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा.